मेरे प्यारे बच्चों एवं मेरे प्यारे साथियों, सभी स्वस्थ रहें, खुश रहें, मस्त रहें, अपने अपने कामों में व्यस्त रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं आज की कहानी शुरू करती हूँ। एक नन्हा सा, छोटा सा, प्यारा सा बच्चा समुद्र के किनारे खेल रहा था, जिसका नाम था अमित। तो अमित को समुद्र के किनारे लहरों में बड़ा आनंद आ रहा था। पानी में खेलना बच्चों की वैसे भी बड़ी खुशी होती है उनको, छप छप छप। अचानक समुद्र की एक लहर आई और वो अमित की चप्पल को बहा ले गई अपने साथ। अमित को बड़ा गुस्सा आया, उसने समुद्र की रेत पर लिख दिया, समुद्र चोर है, वो मेरी चप्पल चुरा कर ले गया। वहीं दूसरी तरफ एक मछुआरा था जो कि समुद्र के किनारे मछलियां पकड़ रहा था। उसने उसे बहुत सारी मछलियां मिली, उसके जाल में बहुत सारी मछलियां फंस गईं। वो बड़ा खुश हुआ, उसने समुद्र के किनारे उंगली से रेत पर लिखा, समुद्र मेरा पालनहारा है, मतलब मेरे घर का एक खर्च चला रहा है। और थोड़ी देर बाद वहाँ एक नवयुवक टहल रहा था, आ जा रहा था। तो अचानक एक बड़ी सी लहर आई, वो उस युवक को अपने साथ बहा ले गई और युवक का कहीं पता ही नहीं चला, वो मर गया। युवक की माँ को बड़ा गुस्सा आया, बहुत रोई, छटपटाई। उसने समुद्र के किनारे रेत पे लिख दिया, समुद्र हत्यारा है, इसने मेरे बच्चे की हत्या कर दी, मेरे बेटे के प्राण पखेरु लेकर चला गया। समुद्र को कोई फर्क नहीं पड़ा, समुद्र आता जाता रहा, उसकी लहरें छोटी छोटी आती नहीं जाती रहीं। वहीं समुद्र के किनारे एक गरीब बूढ़ा, कमर टेढ़ी, कमर पे हाथ रखे थका हारा, हाँपता हुआ चला जा रहा था। अचानक उसे सीप में मोती मिला जो बेहद कीमती होता है। उसने उसको उठा लिया और उस बुज़ुर्ग व्यक्ति ने समुद्र के किनारे समुद्र की रेत पर लिखा, समुद्र महादानी है, उसने मुझे इतना अनमोल रत्न दे दिया। तब तक समुद्र की एक बड़ी सी लहर आई और वो सब के लिखे हुए को मिटाती हुई चली गई। तो समुद्र तो अपनी मस्ती में रहता है, उसके ऊपर कोई फर्क ही नहीं पड़ता, कोई कुछ भी लिखता रहे। अब कब उसको उफान में आना है, कब उसको शांत होना है, समुद्र स्वयं तय करता है, वो किसी के निर्णय पर आश्रित नहीं होता है। तो मेरे लाडलो, अगर आगे बढ़ना है तो किसी के निर्णय पर ध्यान मत दो, अपने अंदर मन की आवाज़ सुनो कि किसमें मेरा कल्याण है। ये तो दुनिया है, वो किसी को अच्छा कहेगी, किसी को बुरा कहेगी, लेकिन अगर दुनिया वालों की बातों में पढ़कर अगर आपने अपने आगे बढ़ने के लिए ना सोचा, अपना कल्याण ना सोचा, तो मेरे लाडलो आपका कल्याण कोई नहीं कर सकता है। कहते हैं अगर ज़िंदगी इतनी हसीन होती तो जब बच्चा जन्म लेता है ना, वो रोता नहीं, जब पैदा होता छोटा बच्चा कैसे रोता है, वाह वाह वाह, उसको सब लोग क्या चुप कराते हैं, वो रोता नहीं। और जब वो मरता है तो क्या होता, हजारों को रुला कर जाता है। तो जन्म के समय रोने से लेकर मरते समय जो रोना है दूसरों के द्वारा, तो जो ये बीच का समय ना बच्चों, यही हमारी आपकी ज़िंदगी है। तो मेरे लाडलों, अपने निर्णय पर स्वयं अटल रहो, अपने अंतर्मन की आवाज़ सुनो और प्रभु का ध्यान करते हुए श्रेष्ठ कर्म करते रहो। तो मेरे लाडलो, हम सभी फिर मिलेंगे, तब तक भाई सबको टाटा बाय बाय।